अम्बाला में आज 134 ए के तहत एडमिशन के लिए करीब 2800 बच्चों ने असेसमेंट परीक्षा दी, जिसके लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिले के स्कूलों में 134 ए के तहत 6888 सीटें हैं, लेकिन मात्र 2837 बच्चों ने ही इसके लिए आवेदन किया था, क्योंकि बच्चों की वार्षिक परीक्षा में सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। इसीलिए अभिभावकों ने इस साल आवेदन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा में 3 महीने बचे हैं, अब स्कूल बदलने से पढ़ाई प्रभावित होगी। हम बच्चों की अब तक की फीस भर चुके हैं, अगर बच्चा 134 ए का पेपर पास कर लेता है तो सरकार को हमारी भरी हुई फीस वापस दिलवानी चाहिए। मेरा बच्चा 4th क्लास में है और ये 134 जो फार्म भरे थे तो उसमें फार्म पेपर दवाने आए जी, लेकिन ये जो फार्म है ये लेट निकले हैं। अब जो है पहले तो मार्च अप्रैल में निकलते थे, लेकिन अब ये थोड़ी जल्दी लेट निकाले हैं, तो इसलिए वो थोड़ी जो दिक्कत हो रही है उसके अंदर, जो पहले जो जिस स्कूल में पढ़ाते थे अब उसके अंदर जाने में दिक्कत वो होगी ना परेशानी जी। तो 2 महीने एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे, हटाएंगे बच्चे को, कैसे पढ़ाई बच्चे की प्रभावित होगी? सर अब तो फिर जे इसमें नंबर कोई आगे तो हटाना पड़ेगा सर, नंबर पड़ गया तो हटाना पड़ेगा, प्रभावित नहीं होगी। हाँ जी ये तो है सर, लेकिन फिर सरकार को सोचना चाहिए ना सर, ये तो गलत टाइम पे निकाले ना वैसे। तो आप पूरी फीस भर दी आपने? हाँ जी पूरी फीस भर दी, एडमिशन भर दिया सर, और अब ये पिछले साल का एडमिशन भी मांग रहे हैं, पिछले साल का 2020 का भी एडमिशन मांग रहे हैं, वो भी देना पड़ रहा है। बच्चे को पेपर दवाना है 2nd क्लास का, यहाँ रिजल्ट 134 के फार्म अब डिलीट करे हैं 2 महीने के बाद ना, तो अब वहाँ फीस पूरी भर दी है हमने, अब देख फीस पूरी भर दी है, अब देखो जहाँ नंबर पड़ेगा तो फिर वहाँ से बच्चे को हटाना पड़ेगा, पढ़ाई का भी थोड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। वहीं अम्बाला के जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अम्बाला जिला में हमारे पास 10 सेंटर बनाए गए हैं और इसका जो समय है वो 12 से लेकर 3 बजे तक रहेगा, 3 घंटे। इसमें जो बच्चे हैं वो पेन या पेंसिल जो भी वो इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, जो हिदायतें हैं वो दे दी गई हैं। सर अपने यहाँ कितनी सीटें थी और कितने आवेदन आए थे? हमारे यहाँ 6888 जो सीट हैं वो अवेलेबल हैं और 2300 के आसपास जो हैं आवेदन हैं, वो सभी बच्चे 10 सेंटर में पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल सर, कहीं दिख रहा है किस सेंटरों पे जा रहे हैं? नहीं नहीं हर जगह जानकारी है और पेपर में भी दिया गया है, न्यूज़पेपर्स में भी, तो ऐसा तो नहीं है। आपको बता दें कोरोना के चलते लंबे समय से स्कूल बंद रहे और परीक्षाएं होने में मात्र 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन जिस तरह से अब 34 ए के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के लिए परीक्षा हो रही है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं और अभिभावक भी असमंजस में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्णवाली की रिपोर्ट।